स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। गांव किसान के एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर हैं। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती संबंधित तमाम जानकारियां देते हैं। आज के कार्यक्रम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद हमारा पशुधन और अंत में होगी कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। खेती किसानी में हमारी कोशिश होती है आप तक कृषि संबंधी तमाम जानकारियां पहुंचाएं ताकि इसका आप खेती किसानी में बेहतर इस्तेमाल कर सकें और इसके लाभ देख सकें। आज के अंक में क्या है विशेष खेती किसानी में, आइए डालते हैं नज़र। हमारे देश में 86% के करीब छोटे और सीमांत किसान हैं। इन किसानों के पास खेती योग्य जमीन 2 हेक्टेयर या उससे भी कम रह गई। जमीन थोड़ी है तो जाहिर है आमदनी भी कम ही होगी। इन किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करना और जीवन स्तर को सुधारना बहुत जरूरी है। छोटे किसानों को तुरंत लाभ पहुंचाने के लिए पीएम किसान योजना पहले से ही काम कर रही है। किसान को सामाजिक सुरक्षा मिल सके इसके लिए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, जिसके आज एक तौर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है, इसको भी आरंभ किया। हम सब जानते हैं कि एक किसान जीवन भर खेत में काम करता है, लेकिन जब उसकी आयु 60 वर्ष पूरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पास काम करने की ताकत नहीं रहती है और उसके पास बचत भी बहुत नहीं हो पाती है। इसलिए किसान मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के किसान इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 18 वर्ष में जो किसान ज्वाइन करेगा उसको 55 रुपया प्रति माह इस योजना में जमा करना पड़ेगा। 55 रुपया महीना सरकार उसके खाते में जमा करेगी। इस योजना को LIC के माध्यम से रूट किया जाएगा। जो किसान 40 वर्ष की आयु में ज्वाइन करेगा उसको 200 रुपया प्रतिमाह जमा करना पड़ेगा। 200 रुपया प्रतिमाह सरकार उसके खाते में जमा करेगी और जब वह 60 वर्ष की आयु पूरी करेगा तो निश्चित रूप से उसको 3000 रुपया मासिक पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आज पूरे देश भर में जो 3 लाख से अधिक CSC फैली हुई हैं उन सब पर किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि जब से ये निर्देश जारी हुए हैं CSC पर किसान पहुंच गए हैं और अभी तक 418 से अधिक किसानों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। किसानों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ किसान आएँ ऐसा अनुमान है। इस वर्ष 1 करोड़ लोगों को हम ज्वाइन करा पाएँ, इस लक्ष्य को लेकर मंत्रालय काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मानधन योजना लंबे समय के लिए बनाई गई है जो बुढ़ापे में निश्चित आमदनी का इंतजाम कर रही है। 18 से लेकर 40 साल तक के छोटे और सीमांत किसान इसके पात्र होंगे। जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे हर महीने उतना ही कम पैसा जमा कराना होगा। 18 साल के किसान को महज 55 रुपए की सहयोग राशि देनी होगी। 19 साल की उम्र में जुड़ने पर 58 रुपए और 20 साल की उम्र में जुड़ने पर 61 रुपए। इसी तरह अगर कोई किसान 40 साल की उम्र में जुड़ता है तो सहयोग राशि 200 रुपए हो जाएगी। कमाल की बात तो ये है कि हर महीने इतनी ही रकम सरकार भी अपनी ओर से जमा करेगी। इसके बाद 60 साल का होने पर किसान हर महीने 3000 रुपए की पेंशन का हकदार हो जाएगा। महिला और पुरुष दोनों किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर योजनाधारी की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति के पास योजना को चालू रखने या बंद करने का अधिकार होगा। बंद करने पर योजना धारक किसान की ओर से जमा की गई राशि ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। खेती किसानी में हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की, कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान।
50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत, और अब समय हुआ है हमारा पशुधन का। हमारा पशुधन में मकसद होता है पशुपालकों को तमाम जानकारियां देना, और हम जानते हैं कि पशु ऐसा धन है जो कि हमारे किसानों के साथ हमेशा बना रहता है, विपरीत स्थितियों में भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो आज हमारा पशुधन में क्या है विशेष, आइए देखते हैं। मुर्गी पालन न सिर्फ एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम पूंजी में, कम समय में और कम जगह में शुरू किया जा सकता है, बल्कि मुर्गी पालन से किसान भाई अपनी फसलों को और भी उम्दा बना सकते हैं। पूर्व में मुर्गी पालन बंद कमरे में किया जाता था, किंतु आज कुछ सफल किसान ऐसे भी हैं जो खुले में मुर्गी पालन कर अपने खेतों की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब खुले में मुर्गी पालन होता है तो मुर्गियां खेतों में जाकर निराई गुड़ाई का काम करती हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मुर्गियां खेतों में लगे छोटे छोटे कीड़ों को खाती है और फसलों को नुकसान होने से बचाती है। ये मुर्गियां मिट्टी को भी खाती हैं, जिससे उनको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे उनका विकास अच्छा होता है। खुले में या खेतों में मुर्गी पालन करने से किसान भाई अधिक फायदे में रहते हैं, क्योंकि खेतों में निराई गुड़ाई करते समय जो मलमूत्र मुर्गियां छोड़ती जाती हैं, वो सीधे खेतों की मिट्टी में जाता है, और जिसके कारण मिट्टी और भी उर्वरक हो जाती है। इन खेतों की फसल भी अच्छी निकल के आती है। साथ ही साथ खेतों में चढ़ते समय मुर्गियां जो कीट और मिट्टी खाती है, उनसे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। आज हमारे साथ एक सफल किसान हैं, जिन्होंने सूर्यमुखी की खेती के साथ मुर्गी पालन भी किया है, जिससे उनको अनेकों लाभ हुए। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मुर्गियां लाए तो हमने एक अलग ही करिश्मा देखा। करिश्मा ये कि जब मुर्गियों को हम खोलते थे, हम लोग बिल्कुल नेचुरल फीडिंग कर रहे हैं, उसको खेतों में खोलते हैं, वो अपने सूर्यमुखी के खेत में जाती है, नुड़ाई गुड़ाई का काम करती है, और नीचे के जो छोटे छोटे किंटेले प्लांट्स हैं उसको खाती है, मिट्टी को खाती है, सॉइल को खाती है, सो सारा कैल्शियम वहाँ से ले रही है। फिर हमारी जो गोबर है, गोबर के अंदर के जो कीड़े हैं वो खाती है, और उससे एक बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है। अभी हम अंडे पे 3-4 दिन पहले ही आए हैं, और अंडे को भी हम एक अलग से एक एंगल से देख रहे हैं, खाने के एंगल से नहीं देख रहे अभी फ़िलहाल, ब्रीडिंग के एंगल से देख रहे हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि जिससे हम पहले ले रहे थे हमको भी नहीं पता था, वो मुर्गियाँ ला के मुर्गियों के अंडे ग्रोथ हार्मोन्स खिला के अंडे निकाल देते थे, थी ऐसी खुली थी, परंतु अंडे का जो प्रोसेस था मुर्गे के थ्रू नहीं था। तो अब ये हमने ये देखा कि मुर्गा और मुर्गी को मेटिंग करने के बाद जो अंडा आ रहा है वो आ रहा है, और उसमें क्या फ़र्क है ये अभी हमको नहीं पता, बट डेफिनेटली कुछ फ़र्क होएगा इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। उसके अलावा अगेन वही चीज़ आ जाती है जैसे पशुपालन में आई थी, हम लोग सब कुछ नेचुरल वे में कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जैसे अगर एग को आपको हैच करना है इनक्यूबेटर में, एक दिन में हैच हो जाता है, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस ऑफ एग्स, तो वो
वीज़ा वी जो आपका मुर्गी बैठ के, माँ बैठ के अपने अंडे को करती है 21 दिन में जो हैच होता है, उसमें क्या फ़र्क है? उसकी ब्रीड भी अलग होगी, उसकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी होगी, वेदर वो अंडा हो, उसमें से चूज़ा निकले, वो मुर्गा बने फॉर ईटिंग चिकन ऑल्सो, उसकी वैल्यू डेफिनेटली अलग होगी। उस स्टेज पर अभी हम पहुँचे नहीं हैं, बट उसी तरफ चल रहे हैं। और हमने देखा कि जो ये पोल्ट्री और डेयरी एंड एग्रीकल्चर में इतना ब्यूटीफुल कनेक्ट है, क्योंकि जब ये कीड़े खाती हैं, इतने भरपूर कीड़े खाती हैं, वो पिक्चर देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा कि वो खा रही है जैसे फटाफट, और वो जिस तरह अपने पाँव से गोबर को हटा हटा के ढूंढती हैं, और हमने देखा कि वो भी इतनी कंपोस्ट हो रही है गोबर भी, और उसके अलावा जब वो वहाँ बैठी अपनी बिट या ड्रॉपिंग कर रही हैं, तो वो उसमें नाइट्रोजन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3% होता है, और काउ डंग में, फ्रेश काउ डंग के अंदर 0.81% होता है, कंपोस्ट करके ज़्यादा हो जाता है, और इसमें 3 और 3.5% होता है, तो वॉल्यूम कम है बट नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो अब उसको फिर जो खाद बन जाती है उसमें हम सब्जी में डाल रहे हैं, और इनके सनफ्लावर में भी डाल रहे हैं, और उसका हमारे फार्मर जो करते हैं हमारे साथ, वो बता रहे हैं इतना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है खेती के अंदर, जो सब्जियां हैं बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। एक शोध के मुताबिक मुर्गी पालन लगभग 14% विकास दर से बढ़ रहा है, और इसमें असीम संभावनाएं हैं। बस थोड़ी लगन और कड़ी मेहनत से इस व्यवसाय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन व्यवसाय जो अतिरिक्त आय का साधन बनता है और देश में 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। मुर्गी पालन का चलन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। चीन और अमेरिका के बाद भारत अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। यदि हम मुर्गी पालन का सही प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय की शुरुआत करें तो हमें मुर्गी पालन व्यवसाय में ज्यादा लाभ होगा। तो ये था हमारा आज का पशुधन, इसी के साथ ही वक्त हुआ है पशुपालक कैलेंडर का। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें, बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखें। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका, खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोग ग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोए। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर, इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। महिलाओं का होता उत्थान, युवा प्रतिभाओं को मिला सम्मान, सरकारी प्रयासों से आती खुशहाली, खेतों में फैली खुशियों की हरियाली, विकास देता हर प्रश्न का उत्तर, अपनी कहानी कहता पूर्वोत्तर। देखिए पहली किरण
पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है कामयाब किसान की दास्तां का। कामयाब किसान की दास्तां, जी हां, ऐसे किसानों की दास्तां जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बेहतर किया है और तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की है। तो आज के हमारे कामयाब किसान कहां से हैं, कौन है, आइए देखते हैं। कामयाबी और असफलता के बीच एक महीन सी लकीर होती है। जिद और जुनून के पक्के लोग इस लकीर को पहचान कर खत्म कर देते हैं और असफलता को पीछे छोड़कर कामयाबी के रास्ते पर चलने लगते हैं। यह भी सच है कि हर इंसान के लिए सफलता के अलग मायने होते हैं, लेकिन किसानों के लिए सफलता का एक ही अर्थ है, खेतों में फसल अच्छी हो और घर पर सुख समृद्धि हो। लेकिन कुछ किसान सपनों की इन सरहदों को लांघकर कामयाबी के नए सोपान तय करना चाहते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं, वे भी विकास और प्रगति के पद पर चलना चाहते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं, वे भी चाहते हैं कि उनकी भी अपनी एक पहचान हो, नाम हो, और इसके लिए वे लगातार संघर्ष करते हैं। ऐसी ही एक संघर्ष की कहानी है दरियाकला दिल्ली के किसान भाई सत्यवान की, जो खेती को पूर्ण रूप से जैविक पद्धति द्वारा कर रहे हैं। हमने ये घिया, तोरी और करेला तीनों चीज़ बिल्कुल जैविक और गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ, 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया, वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती, और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है, और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है, हम कुछ नहीं। जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए भाई सत्यवान बताते हैं कि किस प्रकार वे गाय के गोबर और गौमूत्र से घर पर ही जीवामृत बनाते हैं, जिससे वे अपनी खेती को जीरो बजट बना रहे हैं। हमारे दादा बताते थे, किसान बाजार में तब जाता था तब उसको लोहा और नमक चाहिए, बाकी उसका सब घर पे होता था, चाहे वो गुड़ है, चीनी है, सब्जी है, दूध है, सब कुछ। कपड़े भी हमारी माँ दादी जो थी वो घर पे ही बनाती थी। अब किसान जब बीज पहले खरीदता है, खाद खरीदता है, दवाई खरीदता है, तेल खरीदता है, पहले बैलों से, जीरो बजट खेती थी पहले, अब उसी लाइन पर आने से किसान की आय दोगुनी नहीं, चार गुनी हो। गोबर बिल्कुल ताजी होना चाहिए गाय का, गौमूत्र जितना मर्जी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं होती, ये इसका किसानों ने ध्यान रखना चाहिए। और 8 से 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गौमूत्र, और 2 किलो गुड़ और 2 किलो किसी भी दाल का आटा, और गुड़ भी जो बिल्कुल रिजेक्ट हो वो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैविक खेती तभी संभव है जब किसान खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाए। किसानों को भी हम जागरूक करते हैं और बताते हैं कि गौ क्या है और कैसे जो है गौ गौमूत्र से, गोबर से हम अपने खेतों को और अपने जो है सब्जी और गेहूं, चारा सब उसी से, केमिकल 5 एकड़ में हम बिल्कुल ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बाकी हमारी मिश्रण खेती है। भाई सत्यवान बताते हैं कि किस प्रकार नौजवान जैविक खेती को अपना कर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। किसान जो है मेरे ख्याल से केमिकल में ना जाके और अच्छे से
गोबर से, गोमूत्र से, जीवामृत से अपने चारे को उगाएं और उस दूध को भी आप ऑर्गेनिक करके 100 से 120 रुपए किलो से अपना दूध बेच सकते हैं। जो दूर दराज के किसान हैं, जो एनसीआर में बैठे हैं, वो इस तरह पैकेज का कार्य करें जो कि किसान के पास उन्होंने रोज़ाना ना जाना पड़े, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी ज़्यादा ना हो, या किसान उनके पास आते हैं तो पैकेज बनाएँ, उसमें घिया, भिंडी, करेला, 4-5 दिन की सब्जी, कुछ हरी मिर्च और कुछ पुदीना या धनिया डाल के उनको दे दिया। ये थे हमारे आज के कामयाब किसान की दास्तां। इसी के साथ ही आशा करते हैं कि हमारे अन्य किसान भी जरूर इसे सीख लेंगे। दीजिए इजाजत गांव किसान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।